क्या इस पूरी घटना को, सांसदी जाने को, फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने को, संसद में लौटने को, क्या कांग्रेस पार्टी भुना पाएगी, सिंपथी, हमदर्दी ले पाएगी क्या कांग्रेस पार्टी? मानक जी, सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या सचमुच सिंपथी उनको लेकर जनता के बीच उत्पन्न हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि अभी ये देखा जाना और अभी ये निर्णय आना शेष है कि सिंपैथी या सहानुभूति श्रीमान राहुल गांधी के पक्ष में देश में हो गया है या होना शुरू हुआ है। लेकिन आचार्य ने एक बड़ी, मतलब मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ कि आचार्य जी ने कहा कि राहुल गांधी जनता के दिलों में जगह बनाना आरंभ कर दिए हैं। मतलब 2004 से 4 या 5 बार के सांसद हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और अब अगर जनता के दिल में उन्होंने जगह बनानी शुरू की है तो 2024 के चुनाव में तो बहुत ही कम समय रह गया आचार्य जी, क्योंकि 140-142 करोड़ जनता है यहाँ, और इतने बड़े भूभाग में अगर उन्होंने जगह बनाना अब शुरू किया है तो मुझे लगता है 24 की बस तो मिस हो गई उनसे, क्योंकि जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए बहुत समय चाहिए होगा यहाँ। खैर, लेकिन जो राहुल गांधी की बात है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी का उनकी सदस्यता बहाल होना एक सामान्य राजनीतिक घटना और एक प्रक्रिया के तरह ऐसा हुआ है। सबसे बड़ी बात मुझे ये लग रही है कि जो पूरा माहौल बनता हुआ मुझे दिख रहा है, उस माहौल में फिर से नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होता हुआ नजर आ रहा है, और मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला श्रीमान राहुल गांधी से डायरेक्ट हो। और अगर ऐसा होता है तो जो पीछे के 2 चुनाव हैं, संजय जी बैठे हैं उसके आधार पर उनकी उनकी टिप्पणी बहुत मतलब गंभीर होगी या सुनने वाली होगी, कि जो पीछे के 2 चुनाव हमें दिखाते हैं 14 और 19 के, उसमें भी लगभग मुकाबला डायरेक्ट ही था। तो फिर जो ये INDIA गठबंधन है, इसको लेकर जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो एडवांटेज बीजेपी को होगा, क्योंकि जो इधर कांग्रेस पार्टी और उनका जो गठबंधन है उसमें देखिए, मैं बहुत सुबह से विचार कर रहा था तो मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ कोई धाकड़ हिंदी का वक्ता भी नहीं है उस प्रकार का, जो मतलब बहुत बढ़िया लच्छेदार और ये सब बोल पाए। तो यहां तो भारत में बिना भाषण अच्छे जी बोलिए नहीं कहा गया, अकेले खड़गे जी अकेले जी कह रहे हैं, खड़गे जी भी तो इतना अच्छा बोलते हैं, आप खड़गे जी अकेले भारी पढ़ रहे हैं सर, दक्षिण भारत के होते हुए इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं वो, आप सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, वो ठीक है, आपको भी मालूम है, मुझे सिरोधार्य है, मैं बीच में नहीं बोला अखिलेश जी, आपने पूछा इसलिए मैंने बोल दिया। नहीं, आपसे तो मैं मुखातिब भी नहीं हूँ सर, मैं तो अपनी बात कहता हूँ, मैं दूसरे के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जिस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं उसमें आपने बहुत अच्छी टिप्पणी की कि राजनीतिक आतिशबाजी होगी। अब आतिशबाजी कैसी होती है, बहुत आप आग लगाइए, खूब सारा प्रकाश होगा, खूब सारा उजाला होगा, लेकिन 10-15 सेकंड के बाद फिर वही सन्नाटा, क्योंकि आपको फिर दूसरे पटाखे में आग लगानी पड़ेगी। तो राजनीतिक आतिशबाजी देखने को मिलेगी, बहुत प्रकार के आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक आतिशबाजी के तौर पर हमें अगले 3 दिनों में देखने को मिलेगा, इसका चुनाव पर कोई असर पड़ेगा, इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना अभी थोड़ी जल्दबाजी हो। ओके रीना।